मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं श्रीनगर से आई हूँ, पाकिस्तान जा रहे हैं आज 3 साल के बाद जा रही हूँ मैं। तो मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए मेरे बच्चे। तो आज हम ये बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये नानू के घर जा रहे हैं, कोरोना की वजह से नहीं जा सके, तो 3 साल के बाद आज हम लोग जा रहे हैं। ये बहुत एक्साइटेड है नानू से मिलने के लिए। और चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम ए.एस.सी. अरुण पाल सिंह है जी, मैं इधर अटारी वाघा बॉर्डर पे एज ए प्रोटोकॉल पोस्टेड हूँ ऑफिसर सर। हमारे सीनियर अधिकारी ने 2 दिन पहले हमको इंटीमेट किया था कि आज 29 दिसंबर 2020 को अप्रॉक्सीमेट 37% है जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। इनमें से दिल्ली के 97, MP 13, राजस्थान 3, J&K 7, महाराष्ट्र 2, छत्तीसगढ़ 4, गुजरात 9 और वेस्ट बंगाल 1, ये 137% है जो आज इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। एक्चुअली ये आज से 7-8 महीने पहले भारत में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए या अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे और लॉकडाउन तक मैंने यहाँ पे फंस चुके थे। इनको आज जाने की परमिशन है जो आज जा रहे हैं। तो UNO के आदमी भी जा रहे थे? नहीं, UNO के देखिए वो तो फॉरनर ऑफिशियल होते हैं, वो आज एक UNO ऑफिशियल इंडिया टू पाक जा रहे हैं। तो स्टूडेंट भी आए हुए हैं जम्मू कश्मीर? एक्चुअली स्टूडेंट आए, उनका एक लिस्ट अलग से है 119% का, लेकिन उनके बारे में अभी तक हमारे को इधर इंटीमेशन नहीं है, उनको जाने का अभी परमिशन नहीं है। अगर अभी परमिशन आ गई तो इनको छोड़ा जाएगा। इनका मेडिकल वगैरह किया जा रहा है अभी? बिल्कुल जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर और फार्मसर जी ने एक मेडिकल टीम अंदर प्रोवाइड की है जो इनका मेडिकल करेंगे, इसके बाद इनका कस्टम और इमिग्रेशन के पेपर वगैरह चेक करके हमारी मिनी बसेज है जो यहाँ से लेके 0 लाइन तक इनको लेके जाएगी और वहाँ पे इनको 0 लाइन से क्रॉस करके पाकिस्तान भेजा जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।